जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के दिन इस वीडियो में सीकॉर्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को डिस्कस करते हैं। सीकॉर्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, जिस कंपनी के नाम में ही सीकॉर्ट शिपिंग लगा हो, इसका मतलब स्पष्ट है कि कंपनी समुद्र में अपने व्यापार करती है या समुद्र के जरिए अपने व्यापार करती है। वो कौन सी ऐसी सर्विसेज देती है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में एक एक दिन में 3-3 और 5-5% की तेजी देखने को मिल रही है। कुल जमा बात यह है कि एक ऐसी कंपनी जिसका व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए होता हो, उसमें हम कमाई का मौका ढूंढेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तगड़ा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं। शुरू में हम लोग इस कंपनी के काम को ढूंढते हैं। कंपनी क्या काम करती है? शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। समुद्री मार्ग के जरिए कंटेनर पर सामान लाद के एक जगह से दूसरी जगह तक कंपनी पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना और फिर वहाँ से यहाँ तक लाना। कुल जमा बात यह है कि इस तरह की जो कंपनियाँ काम करती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में इन्वॉल्व है कंपनी, उसको मैं बहुत तरजीह देता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम और बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। आप अपने शहर में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ पर छोटा सा छोटा जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जो ऑटो जो गाड़ी चलाता है, जो बस चलाता है, उसमें भी भर भर के लोग जाते हैं। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस में कंपनी या गाड़ी या जो भी इन्वॉल्व है, उनके लिए कमाई के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। इसलिए हम लोग फंडामेंटल समझते हैं तो मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप तकरीबन 147 करोड़ के आसपास, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। लेकिन उसके हिसाब से यदि दूसरी चीज़ों को देखें, जैसे स्टॉक का पी बहुत कम है, तकरीबन 7.5 के आसपास है। सामान्यतः तो छोटी कंपनियों का पी काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, क्योंकि शेयर प्राइस देखेंगे तो सिर्फ 2.5 रुपये के आसपास है। स्टॉक पी के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम सही जगह पर, जहां पर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस को भी समझना होगा कि इसमें इस प्राइस पर भी पैसा लगा सकते हैं कि नहीं। ओवरऑल यदि रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। 36.1% के आसपास कंपनी का ROE है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी कम से कम 30% रिटर्न निकालकर साल भर में तो दे ही देगी। तो ओवरऑल ये फंडामेंटल और काम के बिहार पर हम लोगों ने समझा कि कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। अब चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं इसमें कहाँ पे एंट्री लेना सही रहेगा। हम आ गए हैं 1 साल के चार्ट पर, और 1 साल के चार्ट पर अभी भी आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 5 रुपये का लेवल। लेकिन 5 रुपये के लेवल को इस बार ये देखेंगे तो तकरीबन जुलाई अगस्त में कंपनी के शेयर प्राइस ब्रेक करके नीचे आ गया है यहाँ पे। अब ग्राफ देखे तो बहुत से लोग डरे होंगे, घबराए होंगे कि शेयर प्राइस इतना नीचे आ गया, इतना बढ़िया कंपनी तो इतना नीचे शेयर प्राइस नहीं आना चाहिए था, क्यों आया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइस नीचे है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब देखिए ये लेवल 3 रुपये का लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पे कई दिनों से शेयर प्राइस टाइम बिता रहा है। अब जब तक इस कंपनी का शेयर प्राइस ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाया इसके ऊपर नहीं निकल जाए, और जब तक इसके ऊपर निकल के 4 रुपये के लेवल तक आकर ट्रेड न करने लगे, यहाँ तक समय न बिताने लगे, तब तक नया व्यक्ति इसमें एंट्री नहीं लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बढ़िया फंडामेंटल हो जाए, 4 रुपये के लेवल के आसपास आकर समय बिताएगा, वहाँ पर हम थोड़ा बहुत क्वांटिटी इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। बाकी जिसके पास इस कंपनी के शेयर है उन्हें बेचने की आवश्यकता नहीं है, वो इसमें बने रहिए, क्योंकि सीकॉर्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड का फ्यूचर काफ़ी उज्ज्वल है। अब दूसरी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यह भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल देखेंगे आप क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से फंडामेंटल को पता लगता है। तो सेल्स देखिए, कंपनी का यदि सेल्स पिछले कुछ सालों में देखें तो ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखा है, सिर्फ जून क्वार्टर रिजल्ट को छोड़कर। जून क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से प्राइस में आपको डिक्लाइन देखने को मिला, प्राइस नीचे आते हुए दिखा। बाकी यदि नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखेंगे, क्योंकि जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था तो जून क्वार्टर में कंपनी का फिर भी प्रॉफिट बढ़ा था, सेल्स कम हुआ था, और अभी भी देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा ही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सेल्स एक आध क्वार्टर पर छोड़ दे तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का सेल्स आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत है और धीरे धीरे मजबूत हो भी रहा है। रही बात प्राइस इतना नीचे क्यों आया था, क्योंकि उसमें देखेंगे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसके पास कंपनी के ऐसे प्रमोटर्स जिनके पास मोटा माल था कंपनी का, उन्होंने अपने माल को बेचा था, जिस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। मैं फिर कहता हूँ जिनको जाना था चले गए, अब जिनको रहना है वो अभी भी इसमें बने हुए देखेंगे। उसी समय प्रमोटर्स ने, जो आम पब्लिक है, रिटेलर्स, उन्होंने भर भर के इस कंपनी के माल को उठाया था। ओवरऑल आसान भाषा में कहें तो प्रमोटर्स के जाने से कुछ नहीं होता, शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया तो एक दूसरे से खरीद फरोख्त शेयर्स का होता रहेगा, कंपनी का डिमांड बढ़ेगा, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, खरीदने वाले आएंगे ही, बायर्स बढ़ेंगे, कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर ऊपर जाएंगे, आपके पास शेयर से तो इसे लेकर बने रहिए। उम्मीद करता हूँ सीकॉर्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने डिस्कस करी आप समझ पा रहे होंगे।
मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।